हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं रॉ जैकफ्रूट करी। इसे हिंदी में हम कटहल की सब्जी या बंगाली में एचोरेट दालना के नाम से जानते हैं। जैकफ्रूट एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें विटामिन सी और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है। तो चलिए आज की हेल्दी रेसिपी शुरू करते हैं। कटहल की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम कटहल कटा हुआ, 4 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, लहसुन 8 से 10, 1 इंच अदरक कटा हुआ, जीरा 2 छोटे चम्मच, तेजपत्ता 2 से 3, सूखे लाल मिर्च 2, काली मिर्च 8 से 10, धनिया 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, तेल 2 बड़े चम्मच और धनिया पत्ता गार्निश के लिए। सबसे पहले हम मिक्सर जार में जीरा डालेंगे, धनिया, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम उसे स्मूथ पेस्ट में ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, ये मसाला तैयार हो गया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और इस पर प्रेशर कुकर चढ़ाएंगे। कुकर को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखे लाल मिर्च, तेजपत्ता और जीरा और उसे थोड़ा भून लेंगे। अब पैन में डालें बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को पकाएं। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक हम भुनेंगे। आप चाहे तो इसे ढक के भी थोड़ी देर पका सकते हैं। प्याज अब थोड़ा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। प्याज और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला और उसे प्याज के साथ भुनेंगे। मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि उसमें से तेल अलग नहीं हो जाए। मसाले को भूनते वक्त आप उसमें थोड़ा पानी डालें ताकि मसाला पैन से चिपके नहीं, और इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर को भी मसाले के साथ भुनेंगे। टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक वो अच्छी तरह सॉफ्ट होके मसालों में मिक्स ना हो जाए। आप चाहें तो पैन को ढक दें। ये देखिए, अब ये टमाटर पूरे गल चुके हैं और मसालों में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब ये हमारा मसाला पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटहल यानी रॉ जैक फ्रूट और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और नमक को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे सब्जी में। अब हम पैन को कवर करके पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए, अब ये मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं कटहल में। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी ग्रेवी की थिकनेस के अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब हम गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ता को ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके उसे 2 विसल आने तक बॉईल करेंगे। गैस को बंद कर दे 2 विसल के बाद और प्रेशर कुकर के ठंडे होने का वेट करें। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे और धनिया पत्ता से गार्निश करके गर्मा गर्म राइस या रोटी के साथ सर्व करें।